अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दो कैपेसिटेंसेज हैं, एक कैपेसिटेंस मान लिया है C1, एक कैपेसिटेंस है C2, और ये दोनों पैरेलल कुछ इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आप समझ लो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लिया ये दो कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, इसके दो टर्मिनल हैं, और ये एक कैपेसिटर, इसके ये दो टर्मिनल हैं, ठीक है। और जब ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं, इसका ए टर्मिनल से इसका ए टर्मिनल कनेक्ट है, और इसके बी टर्मिनल से इसका बी टर्मिनल कनेक्ट, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर यहाँ से चाहे कितने भी कनेक्शन हो, इस जॉइंट से चाहे यहाँ से कितने भी कनेक्शन हो, कितने भी कनेक्शन यहाँ जा रहे हो, ये दोनों कैपेसिटर्स आपको किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। पैरेलल और सीरीज़ का आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एकदम ध्यान रखना है। पैरेलल सीरीज़ में सिर्फ एक टर्मिनल से एक टर्मिनल कनेक्ट होता है, और उस जंक्शन से कोई थर्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल में दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं, ए टर्मिनल से ए टर्मिनल और बी टर्मिनल से बी टर्मिनल कनेक्ट होता है, और वहाँ से कितने भी कनेक्शन हो, उससे आपसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों कैपेसिटेंसेस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसके एक टर्मिनल से इसका ये टर्मिनल कनेक्ट है, इसके बी टर्मिनल से इसका बी टर्मिनल कनेक्ट है, और यहाँ से एक थर्ड कनेक्शन भी गया हुआ है जिसके थ्रू बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड कनेक्शन हो, फोर्थ कनेक्शन हो, फिफ्थ कनेक्शन हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं दोनों कैपेसिटर्स के, तो इसका मतलब वो दोनों कैपेसिटर किस में, आपके पैरेलल में, सिंपल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ढंग से देखो, ये एक कैपेसिटर है, ये है C1 कैपेसिटेंस, इसका ये कैपेसिटर है, इसका C2 कैपेसिटेंस है, और ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, और ये किसके थ्रू कनेक्ट, किससे कनेक्ट हैं, ये बैटरी जिसका पोटेंशियल दिया है V, ठीक है। मान लिया ये जो सिस्टम है, ये इस बैटरी से कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो मान लिया चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना आया, क्यू। कुछ चार्ज जो है वो C1 कैपेसिटेंस में चला जाएगा, कुछ चार्ज C2 में चला जाएगा, ठीक है। तो जो इस तरफ चार्ज गया वो मान लिया था आपका Q1, और जो इस तरफ चार्ज गया वो मान लिया क्या था आपका Q2। ये चार्ज क्यू बन गया, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव क्यू बना जाएगा, सामने वाली प्लेट पे माइनस Q1 ये इंड्यूस कर लेगा, Q1 चार्ज है, और जैसे ही इस पे माइनस क्यू बनाएगा, ये प्लस Q1 यहाँ से रिलीज़ कर देगा, ठीक है। यहाँ पे Q2 आया, इस टर्मिनल पे प्लस Q2 आ जाएगा, इस प्लेट पे प्लस Q2 आ जाएगा, इसके सामने वाली प्लेट पर ये माइनस Q2 इंड्यूस कर लेगा, और यहाँ से क्या रिलीज़ कर देगा, ये Q2, ठीक है। इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया, Q2, ठीक है। और Q1 और Q2 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कैपिटल Q, और कैपिटल Q चार्ज वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर, ये हो गया सर्किट कंप्लीट, क्लियर। तो इन दोनों का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने यहाँ से कितना, इस बैटरी से कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट किया, क्यू, ठीक है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या इक्वेशन आएंगी इसकी, तो दो इक्वेशन बनेंगी इसकी। अगर हम, जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे मूवमेंट, ठीक है। हम मान लें इस पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम यहाँ से मूव करेंगे, तो ऊपर वाले कैपेसिटर होते हुए, बैटरी से होते हुए वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बार जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नीचे वाले ये जो कैपेसिटर है C2, यहाँ से होते हुए और बैटरी से होते हुए फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ लगाते हैं, यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, ऊपर वाले कैपेसिटर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिली है आपको, कौन सी प्लेट मिली है, पॉजिटिव प्लेट मिली है, तो पहले क्या लिखेंगे, प्लस, और इक्वेशन क्या बनेगी, तो चार्ज है Q1 कैपेसिटेंस है C1, Q1 बाई C1, ठीक है। वापस लौट के आते हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल गया, नेगेटिव, तो माइनस V, और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे उसी टर्मिनल, उसी पॉइंट पर वापस लौट के, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से मूव करेंगे, और ये दूसरी कैपेसिटर से होते हुए, बैटरी से होते हुए वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो पहले कौन सी प्लेट मिल गई, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस, और कितना चार्ज है इस पर, Q2, कैपेसिटेंस कितना है, C2। आगे बढ़ते हैं, बैटरी मिलेगी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल गया आपको, निगेटिव, तो माइनस V, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। ये है इक्वेशन नंबर 2 आपकी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें क्यू चार्ज फाइंड करना है। क्यू चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2 के बराबर। जो क्यू चार्ज होगा, कैपिटल क्यू, जो बैटरी से एक्सट्रैक्ट किया है चार्ज, वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2। तो ज़रा देखते हैं कितना होगा वो चार्ज। तो Q1 यहाँ से निकालेंगे, तो जो Q1 आ जाएगा वो आ जाएगा C1 इंटू V। Q2 जो हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन से, वो हो जाएगा C2 इंटू V। तो जो नेट चार्ज होगा Q1 प्लस Q2, तो वो हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब जरा ढंग से समझ लो, नेट कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है C1 और C2 का, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कैपिटल Q, ठीक है।
अगर हम इस पूरे सिस्टम को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा रहे हैं और वही वी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये सिंगल कैपेसिटर भी इसी वी वोल्ट की बैटरी से अगर क्यू चार्ज अगर एक्सट्रैक्ट कर ले तो इस सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कैपेसिटेंस इस पूरे सिस्टम के नेट कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसने भी वी वोल्ट की बैटरी से क्यू चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया जो कि इस पूरे सिस्टम ने किया है, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हम कह देंगे वो क्या होगा आपका सी नेट, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा क्यू। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखें हम, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, मूव करेंगे, पहले पॉजिटिव प्लेट मिल गई है तो प्लस क्यू बाई सी नेट, फिर बैटरी की नेगेटिव प्लेट मिली है तो माइनस वी, फिर वहीं पहुंच गए वापस, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सी नेट इंटू वी। इसको कह देते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब ज़रा कंपेयर करो आप थर्ड और फोर्थ को, ढंग से देखो, जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। V है यहाँ पे भी V है, ये भी सेम है, इसका मतलब ये जो सी नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सी वन प्लस सी टू के बराबर। तो ये फॉर्मूला आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज का सम होता है, सी नेट जो आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा सी वन प्लस सी टू। क्लियर, ठीक है। अब ज़रा कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं। ज़रा आप ये देखो, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखो, यहाँ से अगर Q1 बाई C1 निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से Q2 बाई C2 निकालोगे तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, वो भी V के बराबर आ जाएगा, ठीक है। Q1 बाई C1 था क्या, Q1 बाई C1 था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1, और Q2 बाई C2 भी क्या था, वो था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी वी के इक्वल आ रहा है, जो सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी वी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। क्लियर। अब जरा दूसरा पॉइंट देखो, ये दोनों इक्वेशंस देखो, ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, Q1 किसके बराबर है, C1 इंटू वी के बराबर है, Q2 किसके बराबर है, C2 इंटू वी के बराबर है, तो V तो सेम ही है, तो इसका मतलब जो Q1 है वो C1 के प्रोपोर्शनल है, Q2 है वो C2 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम होता है, तो जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, VC आएगा, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा चार्ज आएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर कम चार्ज आएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है सेम, तो चार्ज डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। क्लियर। अब जरा थर्ड पॉइंट आपको देखना है, इसमें जो सी नेट आया, या ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसा कि पिछले केस में किया था। मान लिया दो कैपेसिटर हैं, एक है 2 माइक्रोफेरेड और एक है 3 माइक्रोफेरेड, और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस होगा सी नेट वो क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू, तो वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इसका मतलब नेट जो कैपेसिटेंस है वो जो इंडिविजुअल जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस है उससे भी ज़्यादा आता है, ठीक है। सीरीज़ में हमने देखा था नेट कैपेसिटेंस जो होता है वो सबसे छोटा जो कैपेसिटर होता है, जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है उससे भी कम आता है। इस केस में नेट कैपेसिटेंस जो होता है वो सबसे बड़ा वाला जो कैपेसिटर है उससे भी क्या आता है, ज़्यादा आता है। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट आपको लिख लेना है, नेट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटर। लार्जेस्ट का मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटर। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वीडियो पॉज करना है, और फिर पहले खुद से ट्राई करना है। नहीं समझ में आएगा तो आपको सॉल्यूशन देखना है, और आपसे खुद से अगर हो जाता तो सिर्फ आपको आंसर चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 9 माइक्रोफेरेड फुल स्टॉप इन हाउ मैनी वेज दे कैन कम्बाइन। 3 कैपेसिटर हैं आपके पास, तीनों कैपेसिटेंस कितना दिया, 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और पूछा वो कितने तरीके से कम्बाइन हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस इन ईच केस, और हर केस का आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सिंपल देखते हैं कितने वेज हो सकते हैं, एक वे तो ये हो सकता है कि तीनों सीरीज में हो, सबसे सिंपल, ठीक है। तीनों अगर सीरीज में होंगे तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई सी नेट,
तो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ये हो गया 3/9। तो सी नेट आ जाएगा आपका 3 माइक्रो फैरड। क्लियर। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर मान लिया सी कैपेसिटेंस है और सी के एन कैपेसिटर हैं और ये सारे सीरीज में कनेक्ट हैं, डॉट 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 डॉट, सबका कैपेसिटेंस बराबर है, सब सारे कैपेसिटेंस है सी 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 और सी हैं, ठीक है, एन कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो सी नेट होगा वो सिंपली हो जाएगा सी बाई एन, इनका जो सी नेट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा सी बाई एन। जैसे यहाँ पे 9 9 और 9 के 3 कैपेसिटर थे सीरीज में कनेक्ट थे, तो इनका कैपेसिटेंस हो गया 9/3, ठीक है। इसको आप उल्टा करोगे तो कितना आएगा 9/3, तो वो कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, अगर इक्वल मान लीजिए 10 कैपेसिटर्स हैं और सारे सी 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 के हैं तो नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा इनका C/10, अगर ये सारे किस में हैं सीरीज में। क्लियर। तो एक तो सबसे सिंपलेस्ट ये है, दूसरा सबसे सिंपलेस्ट ये होगा कि तीनों किस में लगे हों, आपके पैरेलल में लगे हों, जो सेटअप है ये तीनों के पैरेलल का है। तो ये 9 ये 9 ये 9, तो इस केस में जो सी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 प्लस 9 9 प्लस 9 18 प्लस 9 27 27 माइक्रोफेरेड। वो भी आपको ध्यान में रखना है, अगर सी के एन कैपेसिटर्स हैं और वो सारे किस में लगे हैं, आपके पैरेलल में लगे हैं सारे के सारे, तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेट, सॉरी सी नेट जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा एन इंटू सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सब का कैपेसिटेंस सी है और कितने नंबर हैं इनके, एन नंबर हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस पूछा तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, एन इंटू सी। जैसा कि इस केस में था ये सारे 9 9 के थे और ये 3 कैपेसिटर थे, तो नेट कैपेसिटेंस हो गया 3 × 9 यानी 27 माइक्रोफेरेड। क्लियर। तो दो कॉम्बिनेशन सबसे सिंपल तो ये हो गए। अच्छा और देखते हैं ज़रा, अब सीरीज़ और पैरेलल का कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो आपस में सीरीज़ में हो और उन सब उन दोनों के साथ एक पैरेलल में लगाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 9 है ये 9 है ये 9 है, ये 9 और 9 9 और 9, ये सीरीज़ में है तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 9/2 होता है 4.5 ये और ये 9 ये, तो इसका इस सिस्टम का हो जाएगा 13.5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दो पैरेलल में लगे हों और उनके साथ एक सीरीज में लग जाए, ऐसे इस सिस्टम में ये दोनों आपके जो हैं वो पैरेलल में, उनके साथ ये जो है वो सीरीज में, तो इनका पैरेलल में इनका कितना हो जाएगा 9 और 9 9 और 9, इनका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ये हो गया 18 और उसके साथ एक सीरीज में लगाया कितने का, 9 का, ठीक है। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 9 और 18 का, तो 1/ जो सी नेट आएगा वो हो जाएगा 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम आ गया इनका 18, 2 + 1 यानी 3/18, ये है 1/C, तो C कितना आ जाएगा, तो C आ जाएगा 18/3 यानी 6 माइक्रोफेरेड, एक कॉम्बिनेशन ही हो सकता है, ठीक है। तो वो टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो मैंने चारों बना दिए, सबके अलग अलग कैपेसिटेंसेज हैं वो भी लिख दिया मैंने। क्लियर। एक और एग्जांपल करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे अब हम लगातार, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या है, ये सिस्टम दिया है आपको, ये 12 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये 12 माइक्रोफेरेड है, और ए और बी के अबाउट आपको नेट कैपेसिटेंस पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये जो समझ में आता है, ये समझ में आता है कि ये जो 6 और 6 हैं ये आपस में पैरेलल में है, इनके दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का 6 और 6 का कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में जो होता होता C1 + C2, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये नेक्स्ट डायग्राम बन जाएगा, ये वाला 12 पहले से था, ये वाला 12 भी पहले से था, और ये जो बीच वाला 6 और 6 का पार्ट है वो भी ऐड होकर नेट कितना बन गया, ये 12, ठीक है। तो अब 12 12 12, ये तीनों किस्में सीरीज़ में, तो इनका नेट हो जाएगा 12/3, जैसा कि अब हमने देखा C अगर सीरीज़ में हो तो उनका हो जाता है C/3, अगर n हो तो C/n, तो इसमें 12 12 12 जो सी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा 12/3, तो ये कितना आ गया आपका 4 माइक्रोफेरेड। क्लियर। एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लिया दो कैपेसिटर आपके सीरीज़ में है, C1 और एक C2, तो इनका नेट कैसे निकालते हैं, तो वो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/C नेट जो होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2,
इसको हम कम यूज़ करते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ज़रा ढंग से देखना है। इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, इसमें हम अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा आपका C1 और C2, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर C2 प्लस C1, ठीक है। रिवर्स करते हैं, हमें तो सीनेट चाहिए, तो सीनेट जो आ गया वो आ गया आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, कुछ भी लिख लो इसको, ठीक है। तो ये जो वर्जन है फॉर्मूला का, ये हम यूज़ करेंगे। दो कैपेसिटर अगर आपको मिलेंगे सीरीज़ में तो उनका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सिर्फ दो के लिए है, तीन के लिए नहीं चलेगा। तीन के लिए आप मत ऐसा कर देना कि C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, ना वो गलत है, ठीक है, डायमेंशनली ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है वर्जन है वो सिर्फ किसके लिए, वो सिर्फ दो के लिए है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें जितने भी कैपेसिटेंसेज हैं वो सारे आपके माइक्रोफेरेड में हैं, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, ये सारे माइक्रोफेरेड में, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी माइक्रोफेरेड में आएगा, ठीक है। तो इसमें ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको खुद ही करना है ये, और नहीं समझ में आया तभी आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। और अगर आपसे हो जाता है तो आपको सिर्फ इसका आंसर चेक करना है, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो इसमें मुझे जो ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं आपस में, ये जो 3, 2, 3, ये तीनों आपस में सीरीज़ हैं, क्योंकि इनके एक टर्मिनल से एक टर्मिनल कनेक्ट है, देखो एक टर्मिनल से एक टर्मिनल कनेक्ट है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कोई थर्ड कनेक्शन नहीं है, ये 3 और ये 3 सीरीज़ में नहीं है, ये 3 और 3 इसलिए सीरीज़ में नहीं है कि इनका एक टर्मिनल से तो एक टर्मिनल कनेक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छा ये, लेकिन यहाँ से एक थर्ड कनेक्शन आ गया, तो ये 3 और 3 क्या नहीं है, सीरीज़ में नहीं है, क्लियर। ये 2 और 2 पैरेलल में नहीं है, क्यों क्यों नहीं है पैरेलल में, क्योंकि इनका तो कोई भी टर्मिनल कनेक्ट नहीं है। इस 2 का ये टर्मिनल तो इस 3 से आगे खत्म हो गया, और इस 2 का भी इस 3 से आगे कनेक्ट, मतलब यहाँ पे आगे एंड हो गया, तो इस 2 का कोई भी डायरेक्ट इस 2 से कनेक्ट नहीं है। ऐसे इस 2 का इधर वाला भी कोई डायरेक्ट इस 2 से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो अभी यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये 3, ये 2 और ये 3, ये तीनों आपस में किस में है, सीरीज़ में, ठीक है। तो सीरीज़ में इनका कितना हो जाएगा, तो 1/CNET जो होता है वो होता है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 3 2 जा 6 2 2 3 जा 6 3 प्लस 3 2 जा 6 2, तो ये आ गया आपका 7/6। तो सी जो आ गया वो आ गया आपका 6/7, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये 3 पहले से है, यहाँ नीचे वाला भी 3 पहले से है, ये 2 यहाँ पहले से है, ये सब कुछ वैसा ही है, ये वाला सिस्टम। बस ये 3 हटा के हमें क्या लगा देना है, सिंगल 6/7 लगा देना है। तो वो तीनों को हटाया मैंने और सिंगल लगा दिया यहाँ पे क्या, 6/7, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, अब मुझे ऐसा दिख रहा है ये 6/7 और ये 2, ये दोनों आपस में पैरेलल में, कैसे हैं पैरेलल में, क्योंकि इसके एक टर्मिनल से एक टर्मिनल कनेक्ट है और इसके दूसरे टर्मिनल से भी इसका दूसरा टर्मिनल कनेक्ट है। बाकी बीच में कितने भी कनेक्शन होते रहें उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो नेट हो जाएगा सी नेट वो हो जाएगा आपका सीधे सीधे सम होता है वो 2 प्लस 6/7, इसमें एलसीएम आ जाएगा आपका 7, तो ये आ जाएगा आपका 20/7, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये 3 है, ये भी 3 है पहले से, ये तो है यहाँ पे, और इन दोनों का जो नेट हो गया वो हो गया आपका 20/7। तो यहाँ पे एक नया कैपेसिटेंस लग जाएगा, नेट कैपेसिटेंस, और वो कितना हो जाएगा 20/7। अब जरा गौर से देखो अब क्या है सिचुएशन, अब ये तीनों कैपेसिटेंस किस में है, आपके सीरीज़ में, ठीक है। तो इन तीनों का नेट हो जाएगा 1/CNET, बिल्कुल फाइनल नेट कैपेसिटेंस, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/20/3 करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60, तो 3 × 20 प्लस 3 × 20 प्लस 20 × 3 करेंगे और 3 × 3 = 9, तो ये आ गया आपका 49/60। हमें तो सी नेट चाहिए, तो सी नेट जो बन गया वो बन गया आपका 60/49, और सारे कैपेसिटेंसेस माइक्रो फैराड में थे, तो ये आंसर भी क्या आएगा आपका, माइक्रो फैराड, क्लियर।